कटरा में मौजूद माँ वैष्णो देवी के दर्शन हर कोई करना चाहता है, पर बहुत से लोग आर्थिक समस्याओं की वजह से माँ के दर्शन के लिए कटरा नहीं जा पाते हैं। ऐसे में भक्तों को माँ वैष्णो देवी का दर्शन कराने के लिए इंदौर के वैष्णो देवी भक्त मंडल ने बीड़ा उठाया है, जो मात्र 551 रुपये की राशि में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए श्रद्धालुओं को माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर ले जा रहे हैं। माँ वैष्णो देवी भक्त मंडल के संयोजक धर्मेंद्र जोशी का कहना है कि यह 551 रुपये इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि हर भक्त का सम्मान बना रहे। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों से इंदौर का माँ वैष्णो देवी भक्त मंडल लोगों को यात्रा पर हर साल ले जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा पर जा रहे हैं, जिसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा का 10वां वर्ष है, जहां भक्तों के रहने खाने और समस्त जवाबदारी भक्त मंडल की तरफ से उठाई जाती है। ये 10वां वर्ष है जब आप लोगों को वैष्णो माता की यात्रा में कटरा ले जा रहे हैं, क्या कुछ क्रम है, कितने लोग जाने वाले हैं, कब यात्रा जाएगी और कैसे लोग जो है आवेदन कर सकते हैं जाने के लिए? माँ वैष्णो देवी यात्रा का 10वां वर्ष है और हमने आज माँ माई के चरणों में अर्जी लगाई कि माँ यात्रा सम्पन्न हो और करीब इस बार 500 भक्तों को ले आने का उद्देश्य है और जन सहयोग से यात्रा निकालते हैं हम लोग जी, और ऐसे परिवार को ले आ रहे हैं जिन्होंने माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन नहीं करे। 551 रुपये शुल्क रखा है, जो जाने में आज अक्सर में गरीब है मध्यम है उन परिवार को सिर्फ 551 वैष्णो देवी जी के दर्शन कराएंगे हम जी। तो ये 10वां वर्ष है, यह यात्रा का 10वां वर्ष है और यहाँ के जो पंडित जी पुजारी जी का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद है। यहाँ के जो मुख्य मंदिर का जिन्होंने जीर्णोद्धार करा आदरणीय श्री पापा जी का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान रहता है और जन सहयोग यात्रा निकालती है। यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? यात्रा की शुरुआत हुई है आज से 10 वर्ष पूर्व निकली थी, शुरुआत हुई थी। मन में कहा आया था कि ऐसे भक्तों को यात्रा कराने ले आना जिन्होंने वैष्णो देवी जी के दर्शन नहीं करे और शुरुआत करी और यात्रा का जो बीज बोया था वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइए। मैं नाम पंडित धर्मेंद्र जोशी, वैष्णो देवी भक्त मंडल संस्थापक एवं मेरे जो भक्त मंडल की बात अध्यक्ष दिनेश सोलंकी जी जी। और भाई माता रानी जी प्रार्थना करते कि माँ जगत जननी हमारे जो भक्त मंडल के जो भी सहयोगी लोग है समस्त भक्तगण सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबको स्वस्थ रखे, सबका कल्याण हो, यही माता रानी जी अर्जी लगाते हैं। पंडित जी आप आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।